नमस्कार दोस्तों, आज आ गया इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क वाईजैक। वाईजैक टूर का एक अहम पार्ट है। जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें दो एंट्रेंस है, एक मेन एंट्रेंस है, एक सागर एंट्रेंस है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मेन एंट्रेंस में जाने के लिए, ताकि वहां आपको जो यू घूमने के लिए बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ आपको व्हीकल का बंदोबस्त मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या साइकिल हो, हर तरह का अलग अलग व्हीकल वहाँ मिलता है। हालांकि हम लोग सागर एंट्रेंस में हमारा ड्राइवर गाड़ी में ले गया था। दोनों तरफ आपको एंट्री का टिकट मिल जाएगा, एंट्री ले सकते हैं। और अच्छा यही है कि आप मेन एंट्रेंस में जाएँ। दोस्त, ये चिड़ियाघर में बहुत तरह तरह का जानवर आपको देखने को मिलेगा। अगर साथ में बच्चा है तो और भी बढ़िया है, अगर बच्चा नहीं भी है तो आप लोग जरूर घूमिएगा। देखिए, राइनोसोरस है, गेंडा, अच्छा हेल्दी है, हिप्पोपोटामस भी देखने को मिलेगा आपको, शेर, चीता, सब कुछ है इसमें। एरिया काफ़ी बड़ा है, तो मेरे तरफ से सुझाव यही है कि आप जब भी जू घूमने जाएंगे वाईजैक का, तो पहले से ही बता के रखिए ड्राइवर को, ताकि मेन एंट्रेंस में ले जाके आपको छोड़े। मेन एंट्रेंस जो गेट है, हम लोग सागर गेट में एंट्री लिया था, जहाँ कोई व्हीकल का बंदोबस्त नहीं था कि जल्दी से जल्दी हम पूरा एरिया कवर कर ले। हम लोग को पैदल ही घूमना पड़ा। मेन एंट्रेंस में आपको अलग अलग व्हीकल का बंदोबस्त मिल जाएगा, आपको अलग से टिकट लेके उस साइकिल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको घुमाने के लिए ले जाता है। तरह तरह का व्हीकल्स आपको मिल जाएगा। जिराफ का फोटो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर तक वहाँ हम लोग इन्जॉय किया दोनों जिराफ देखते हुए। हर जगह का बड़ा बड़ा चिड़ियाघर जैसे ही यहाँ भी हर तरह का जानवर, पक्षी, रेप्टाइल सब मिलेगा। पक्षी का बैकग्राउंड साउंड भी कुछ दिया है, तो चिड़िया का आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा। मौसम उस दिन थोड़ा सा खराब था, खराब इन द सेंस बारिश हो रहा था दिन भर, तो हम लोग छतरी लेके बारिश के साथ ही घूमा है। दो तीन घंटा हम लोग का लग गया। कुल मिला के जू आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अभी तक जो लोग मेरा चैनल में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि ऐसा ही टूर का कोई भी ब्लॉग हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अलग अलग जगह में जब मैं ट्रैवल करते हैं, टूर में जाते हैं, तो ज़रूर मैं ब्लॉग देता हूं आप लोगों को गाइडेंस के साथ। बहुत मदद मिलेगा आप लोगों को घूमने में। जो जानकारी मेरे को लगता है आप लोगों को बताना चाहिए, ज़रूर मैं बताता हूँ। ये वाईजैक टूर का अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक, उस बिटवीन। देखिए, ये जो टाइगर है, और अच्छा दिख रहा है, हेल्दी है,
ऐसा नहीं कि चिड़ियाघर में जो एनिमल होता है वो खाना ठीक से नहीं मिलता है करके थोड़ा सा मरियाल सा होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा तंदुरुस्त लग रहा है। इसका भी हेल्थ देखिए, ये थोड़ा स्टील फोटो है, ये चिड़ियाघर ही है जो एनिमल को बहुत नजदीक से देखने को मौका मिलता है। ये देखिए, ये भी एक शेर बैठा हुआ है दूर से, ये कुछ सीआर टाइप का है, फॉक्स टाइप का, ये लोग यहाँ रेस्ट फरमा रहे हैं खाना पीना खा के। अभी डुअर्स जंगल में भी जाएंगे तो उसमें भी कुछ एनिमल अगर मिलेंगे सफारी में तो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा आने वाला दिन में। हर एक जगह का ब्लॉग मैं आप लोगों को देते रहूंगा, मैं अंडमान का भी ब्लॉग कुछ दिया हूँ, कुछ और मैं डालूंगा। ये जो तितली का घर है, बटरफ्लाई एरिया, यहाँ देखिए नेट से बना हुआ है, वहाँ प्रिजर्व किया गया है बटरफ्लाई को, बहुत तरह तरह का बटरफ्लाई आपको इसके अंदर मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। ये रेप्टाइल्स एरिया है, यहाँ रेप्टाइल्स मेरे को बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिला, हालांकि बहुत सारे जू में मैं गया हूँ लेकिन ये जो साइज है रेप्टाइल्स का बड़ा अच्छा लगा देख के। ये जैसा फोटो में बाहर शो कर रखा है ऐसा ही अंदर भी है, अच्छा है। हालांकि स्नेक भी है, मेरे को इतना अच्छा देखने को नहीं मिला, छोटा छोटा स्नेक मिला था। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग में लास्ट तक रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक ही रिक्वेस्ट है हर एक ब्लॉग के साथ लाइक और कॉमेंट्स करिएगा, आशा करता हूँ आप लोग जरूर करेंगे। आने वाला दिन में आपको और भी ऐसा ब्लॉग मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।